जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:41 AM PM 3:41 PM इवनिंग 11 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ और आज अनएक्सपेक्टेडली तेज़ी से बंद हुआ मार्केट और आज की क्लोजिंग आई है निफ्टी की 201 और इसकी 402। बैंक निफ्टी कितनी आई? 402, 201 और 492, सॉरी 492 आई है बैंक निफ्टी और इसकी आई है 201। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन क्लियर कट 1, 2, 3, 4, 5 हाई और ये आज का हाई, छठा हाई, सारे हाई इसको टच किया इसने। तो ये कहीं ना कहीं आज का जो हाई बना था 588 एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए कल। तो कल 600 के ऊपर अगर निकले, 31600 के ऊपर, तो डरना चाहिए हमको ज़रूर 31600 के ऊपर। नंबर वन आज का हाई इम्पोर्टेंट है, अगर 31600 के ऊपर निकले तो कल एक बार शॉर्ट मत रखना, नंबर वन पॉइंट, शॉर्ट बिल्कुल नहीं रखना अगर 31600 के ऊपर निकले, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट आ जाएगा अगर 31600 के ऊपर निकला। ये तो हो गई ब्रेकआउट की बात। अब निफ्टी अगर देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से भी, बैंक निफ्टी अगर अपने ऑल टाइम हाई से भी सिर्फ 1000 पॉइंट दूर है, और अगर आप देखो तो इसने कुछ दिनों में ही फ्रॉम 29612 से लगभग 31500 आ गया, 1900 पॉइंट की रैली दे दी है इसने कितने दिन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 दिन में ये 1900 पॉइंट बढ़ चुका है दोस्तों, 8 दिन में, 8 ट्रेडिंग डेज में। तो इसमें गिरावट तो कंफर्म है, लेकिन अब मैं एक यूट्यूब पे एक बात बोल रहा हूँ, अगर कल 31600 कट जाता है तो एक बार तो इंट्राडे में आप तेज़ी करना ज़रूर से। लेकिन अब मैं एक बात आपको और बोलता हूँ, जो मैं अपने लिए, किसी को ये नहीं, ये जो 32613 का हाई बना था 20-12 को, अगर ये पहले तोड़ देता बैंक निफ्टी बिफोर बिफोर रीचिंग 30100, क्या मैं चैलेंज कर रहा हूँ? ये चैलेंज मैं किसी और से नहीं कर रहा हूँ, अपने आप से, और मैं इमीडिएटली अपना एनालिसिस बंद कर दूँगा और उसका मैं वैलिड रीज़न देता हूँ क्यों नहीं होगा ऐसा। फिर भी ये मार्केट है, ये मुझे रॉन्ग साबित कर रहा है अभी। आई डोंट नो वाई द मार्केट इज़ राइजिंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्लूज आर बैड अगेंस्ट अस, और येस्टरडे डिफीट वॉज ऑल्सो वेरी बैड फॉर बीजेपी द रूलिंग पार्टी, प्लस एक फैक्टर है जो हमारी कंट्री को अभी सपोर्ट हो रहा है, एक बड़ा फैक्टर जरूर है, दैट इज़ क्रूड ऑयल प्राइजेज आर स्टिल वेरी मच डाउन। तो यहाँ पर हम सबसे बड़े इम्पोर्टर है, तो इस जगह हमको ज़रूर फ़ायदा हो रहा है। उसके अलावा हमारे इकोनॉमी में स्लो डाउन है, सब कुछ है, देर इज़ नो ग्रोथ, एवरी थिंग इज़ अगेंस्ट अस एक्सेप्ट क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल को लेके अगर इतना ही बढ़ना था तो तुम बजट में ये रैली क्यों लाए नीचे की, पहला सवाल, इतना नीचे क्यों फिगर दिखाया, और अगले दिन फिर से एक नया लो मार के क्यों तेजी किया? तो जितने दिन की मंदी की, तो अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी कैंडल से फॉल आया था, ये बड़ी कैंडल का फॉल का अमाउंट ये देख लेते हैं, ये जो बड़ी कैंडल आई थी फॉल, इसका रेट था 9.23, 31.923। इस अगला रेजिस्टेंस अगर 600 पार करता है, 31600 अगर पार करता है तो 31920 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ तक पक्का जाएगा अगर 31600 पार करता है तो। ये 31600 पार करता है तो 31900 तक जरूर जाना चाहिए इसको, ये मान के रखिए। और मैं अब एक बात बोल रहा हूँ कि ये जो हाई बना 20-12 को, अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ देता है
तो मैं समझूंगा मेरी स्टडी बिल्कुल फेल है और बिल्कुल काम की नहीं है, मैं इमीडिएटली उस दिन से मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं बनाऊंगा फॉर लाइफ टाइम, दैट्स प्रॉमिस। और इसके मुझे बहुत सारे तर्क है, भले ही ये तेजी नकली भी तेजी हो लेकिन बढ़ रहा है ना मार्केट, डेफिनेटली बढ़ रहा है। 31,000 तक तो आया था, वहाँ तक तो मैं भी तेजी में था 31,000 तक, लेकिन उसके बाद की जो 600 पॉइंट या 500 पॉइंट बढ़ा है मार्केट, दैट इज़ फॉल्स। तो फॉल्स है कि नहीं ये साबित हो जाएगा आने वाले दिनों में। मेरा एक कहना है कि अगर बिफोर ब्रेकिंग मैं निफ्टी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ओनली फॉर ऑल टाइम हाई और हाइज ऑफ 32,613, इफ बैंक निफ्टी डज नॉट कम डाउन टू 30,110, देन आई विल क्विट फ्रॉम एनालाइजिंग ऑन यूट्यूब एंड इट्स नथिंग, नो प्रेशर एट ऑल, बट इट दिस इज माई डिसीजन। और ये क्यों आएगा अब मैं बताता हूँ। देखिए, इन स्पाइट ऑफ सच ए तेजी, इतनी गिरावट तो आई थी, ये तो पक्का है गिरावट असल में यहाँ से आई थी। ये बड़ी कैंडल से गिरावट आप मान सकते हो, बड़ी गिरावट। तो ये बड़ी कैंडल का हाई था 31,923, तो ये हम मान सकते हैं। तो यहाँ तक एक तेजी आ सकती है इंट्राडे में, कितनी भी तेज अगर आए तो इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए, 31,923 के ऊपर ये जो कैंडल है। बजट वाली तो इसने कभी पार कर दिया, सब कुछ पार कर दिया, उसके बाद तो ये ऊपर भी जा चुका है। और आज एक रेजिस्टेंस पे बिल्कुल हाई बनाया, देखिए ये हाई, ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस बन रहा ट्रेंड लाइन का। तो कल अगर इस रेजिस्टेंस को मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता, 600 के ऊपर निकलता तो आप समझ जाना 31,900 आने वाला है, पहली बात। उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ इसकी ताकत नहीं है कि ये 32,613 पहले तोड़ दे, जो कि ऑल टाइम हाई है। अगर ये तोड़ता है तो मैं छोड़ दूंगा, और तोड़े बिना मैं, ये मेरा चैलेंज है यूट्यूब में इस मार्केट से, नॉट किसी से, कि ये 32,613 जो ऑल टाइम हाई है उसको तोड़े बिना ये डेफिनेटली पहले यहाँ आएगा 30,110, बिल्कुल आएगा। और ये फिगर कौन सा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो तेजी की कैंडल स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, इसका हाई जो है 30,105 है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप गैप अप से ओपनिंग हुए थे, ये गैप छूटा हुआ है, ये ज़रूर 30,110 तो आएगा ही, भले ही ये उसके बाद नई तेजी कर ले। तो अगर ये 30,110 पहले नहीं आता है और उसके पहले अगर 32,613 चला जाता है तो मैं क्विट कर दूंगा। और अब मैं बता रहा हूँ मेरा कारण क्या है इतना कॉन्फिडेंट होने का, कि देखिए इन स्पाइट ऑफ दिस आज भी 20 EM है, 10 EM से काफ़ी ऊपर है, इनफैक्ट 20 पॉइंट्स ऊपर है। और सबसे बड़ी बात क्या, 50 EM है आज भी, मीडियम टर्म में ये बहुत ख़राब है बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म में अब ज़रूर बढ़ गया है, मीडियम टर्म में बिल्कुल ख़राब है। शॉर्ट टर्म में ये ज़रूर 31,078 की एवरेज लेके चल रहा है, मीडियम टर्म 50 EM में इसका 31,169 आ रहा है, और उससे नीचे आप देखो 10 और 20 दोनों, तो कहीं ना कहीं ये तेजी फॉल्स है। जब तक कि मार्केट अपनी 50 दिनों की एवरेज से नीचे अपनी 10 दिनों की एवरेज को मान के चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट फॉल्स राइज हो रही है मार्केट में। आज भी 50 दिन की एवरेज इसके ऊपर है और 10 दिन की कम है, तो कहीं ना कहीं ये 10 दिन की तेजी से भी मार्केट तेजी में क्लियर कट नहीं आया। जब तक ये 10 EM है इसके ऊपर नहीं आ जाए 50 के ऊपर, 10 EM का फिगर अगर 50 EM के ऊपर आ जाता तब मैं मान दूंगा रियल तेजी आ रही, तो पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। फिर भी ये मार्केट है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ अपने आप को, किसी और को नहीं। तो कल ये हाई अगर मेंटेन रह गया तब तो ठीक ही बात है, तब तो कल मंदी एक स्टार्ट होगी और हम इसको छूने के लिए आएंगे। ये जो लोअर एंड है इसका, ये जो लोअर एंड है इस ट्रेंड लाइन का, ये भी 30,000 कुछ ही दिखा रहा है, 30,090 दिखा रहा है, मैंने 30,110 का टारगेट मिनिमम दिया। ये बैंक निफ्टी, और निफ्टी में देखिए, निफ्टी में कुछ भी नहीं बोलना मुझे,
सिंपल एक स्टॉप लॉस है 295 क्लोजिंग बेसिस, और ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आप देखो, ये लाइन जो मैंने टानी है यहाँ पे, ये हाई भी है और काफ़ी सारे हाई है। इस जगह अगर निफ्टी नहीं रुकता है तो फिर उसके पास एक ही चीज़ रहती है, ये वाली कैंडल 430 की जो नकली कैंडल बनाया था इसको। असर एक बार मैंने बोला भी था जिस दिन बजट की गिरावट आई, तब भी मैंने बोला जब भी ओपनिंग और हाई बन के आता है 430 का, तो फ्यूचर में उस दिन का हाई 419 का था, 12419 का, तो कभी ना कभी वो डेफिनेटली आएगा। लेकिन मैंने ये बोला ये मार्च में आओ चाहे अप्रैल में आओ चाहे फरवरी में आओ, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये सब मैंने यूज़ किए थे कि 12430 एक बार फ्यूचर में ज़रूर आएगा, ये मैंने आप लोग को बोला था, याद है। लेकिन आने में देरी लग सकती है, क्यों? क्योंकि उस दिन जो ओपनिंग हाई हुई था स्पॉट में वो था 12430, जिस दिन ये ऑल टाइम हाई बनाया था स्पॉट में, 12430 का ऑल टाइम हाई बनाया था ओपनिंग और सेम था, तो ये 20 जनवरी को बनाया था इसने। लेकिन आप देखो उसी दिन का अगर फ्यूचर का आप हाई देखो, निफ्टी फ्यूचर्स का उस दिन का हाई 419 का है, 419, तो फ्यूचर का हाई कम नहीं रह सकता, जबकि ओपनिंग हाई इसका ये दिखा रहा है स्पॉट का, है ना। तो उस दिन ऑब्वियसली 20 से 30 पॉइंट फ्यूचर ऊपर चल रहा था, लेकिन ये ओपनिंग में हाई बना के ये नीचे आ गया, तो इसको रियल फिगर भी एक बार लाना ही पड़ेगा 430 का। तो ये या तो इसी रैली में लाए, इस रैली में लाएगा तो 295 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, जो कि मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लगभग असंभव लग रहा है इसके लिए क्लोज करना, अबव 295 इसको क्लोज करना असंभव लग रहा है, फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ। और आज की क्लोजिंग आई है 230 201, तो 95 पॉइंट रह गए, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कल अगर मंदी स्टार्ट हो जाती तो अलग बात है। निफ्टी में अभी भी देखो आप बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये 50 EMA से आप देखो इसका 10 EMA ऊपर है, इसकी 50 EMA 12061 है और 10 EMA की रेट है 12075, ठीक है, 100 से और 220 से भी ऊपर है। लेकिन आप बैंक निफ्टी में देखो 50 का EMA है 31169 और 10 वाला 31060, तो यही एक कारण है मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। है तो दोनों ही वीक, दोनों ही नकली रैली से बढ़ रहे हैं, तो दोनों को एक फिगर आना पड़ेगा। निफ्टी का भी फिगर बता दो कहाँ तक आना इसको कंफर्म है, आप लिख लो जैसे बिफोर मेकिंग ऑल टाइम हाई 750 आना जरूरी है इसको, 750 ये आएगा ही आएगा बिफोर मेकिंग ऑल टाइम हाई। तो दोस्तों बस यही वीडियो एंड करता हूँ, और आज तो सरप्राइज रैली आई, जबकि आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कल मैंने तो आज कोई कॉल भी नहीं दिया सेल का, कल मैं खाली जरूर वीडियो में बोला था कि ये जो शूटिंग स्टार बना है दोनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि इसका हाई टूटते तेजी है, शूटिंग स्टार का लो टूटना चाहिए हाई नहीं टूटना चाहिए, कन्फर्मेशन तभी मिलती है। तो आज मार्केट ने हाई तोड़ के ऊपर चला, तो मार्केट मैंने जो बोला है, मैंने क्या बोला है कि एक तो कल ये वाला हाई टूटना नहीं चाहिए, अगर टूटता है तो सीधा 900 का टारगेट ले लीजिए आप, 31900 का, 923 का जो ओपनिंग आई था इसमें आप देखो, तो ये फिगर फिर आने का चांस रहता है 900 पे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही रहता है 920, और वैसे तो ये रेजिस्टेंस आज वाला 588 ही टॉप रहना चाहिए रैली का, वैसे देखा जाए तो ये लगभग 2000 पॉइंट खींच लिया, 1980 पॉइंट 8 दिनों में 1980 पॉइंट बढ़ चुका है, 1980। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।